वो देखिए, रुक जा रुक जा, हटा बैठ बैठ, हां जी बैठ, मेरा भाल पाए तो कोई नहीं नाम रखे हुए हैं भाई, अरे हार जाओ, अरे तुम सब सिखता लोगों को, लेकिन आओ बैठ, भ्रष्टाचार हो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मजदूरों से मत टकराओ, झूठ झूठ हो जाओगे, मजदूरों से जो टकराएगा झूठ झूठ हो जाएगा, मजदूरों से जो टकराएगा झूठ झूठ हो जाएगा। नीरज कुमार सिंह, कार्यालय सहायक, विद्युत वितरण खंड प्रथम, चंदौली। आप लोगों ने हड़ताल किया है आज, क्या है आप लोगों की मांगे सरकार से? हमारी मांगे सरकार से सिर्फ इतनी है कि जो हम लोग के जीपीएफ और सीपीएफ का जो ये फंडिंग घोटाला हुआ है, इस पे सरकार हमको एक लिखित आश्वासन दे कि ये पैसा सरकार किसी भी कारणों से जैसे भी हो हमें हमारे कर्मचारियों को वापस कराएगी, और जो इसके लिए दोषी अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार करे, उस पर उचित कार्रवाई करे। हमारी सिर्फ ये मुख्य मांगे है। किसको दोषी मानते हैं, कौन सा दोषी है? सरकार इस पर जाँच करे, कमेटी बनाए, जो संबंधित उस पर अधिकारी हो उस पर कार्रवाई की जाए। कितने दिनों का हड़ताल है यह आपका? और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले बात है कि सरकार हमको ये आश्वस्त करे कि हमारा पैसा जो ट्रस्ट से गया है वो हमारे खाते में वापस किया जाए, जिससे कर्मचारियों का भविष्य खतरे में ना हो, उसका जिम्मा सरकार ले, क्योंकि ये सरकार का नैतिक दायित्व है कि वो सरकारी कर्मचारियों के जो हमारे तनख्वाह से पैसा काट करके ट्रस्ट को जाता है वो हमें वापस मिले। जी अपना नाम और परिचय बताएं। नाम दिनेश कुमार पांडे, कार्यालय अधीक्षक द्वितीय, विद्युत वितरण खंड प्रथम, चंदौली। आप लोगों ने आज हड़ताल किया है, धरने पे बैठे हैं, क्या है आप लोगों की मांगे? हमारी तरफ से हड़ताल नहीं है, कार्य बहिष्कार है, हम लोग उपस्थित होकर के कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि जो रूप हमारे कर्मचारियों का सीपीएफ जीपीएफ की धनराशि हड़प ली गई है ट्रस्ट के द्वारा, तो वो रुपया सरकार हमारे ट्रस्ट में फिर जमा करा दे, अपनी जांच करती रहे, उससे हमसे मतलब नहीं है। क्योंकि किसी भी मामले को दबाने के लिए ये प्रक्रिया होती है कि फलाना आयोग में जांच बैठा दिया गया तो वो बैठ जाएगा। हम लोगों का जब तक पैसा सरकार द्वारा हमारे ट्रस्ट में ब्याज सहित जमा नहीं हो जाएगा तब तक ये धरना आंदोलन चलता रहे। कितने दिनों तक कार्य बहिष्कार है आपका? यह 2 दिन है, 18, 19, 48।